बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ भी रहते थे। उन दोनों में अच्छी दोस्ती थी। खरगोश बहुत तेज दौड़ता था और कछुआ बहुत ही धीमी चाल से चलता था। खरगोश को अपनी तेज चाल का बहुत घमंड था और वह हमेशा ही कछुआ का मजाक उड़ाया करता था। कछुआ भी खरगोश की बात का बुरा नहीं मानता था। एक बार की बात है, खरगोश अपने मित्र कछुआ से बोला, मित्र क्या तुम मेरे साथ दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहोगे? कछुआ बोला, मित्र खरगोश जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम दौड़ प्रतियोगिता करना चाहते हो तो ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। खरगोश और कछुआ की दौड़ प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। जंगल के सभी जानवर प्रतियोगिता देखने के लिए आ गए। दौड़ के लिए एक पहाड़ी पर जाना था, जो पहले पहाड़ी पर पहुंचेगा वही जीतेगा। जंगल के सभी जानवर जानते थे कि खरगोश तेज दौड़ता है। उन्हें उम्मीद थी कि खरगोश ही ये दौड़ जीतेगा। दौड़ प्रारंभ की गई। खरगोश ने शुरू से ही तेज दौड़ने लगा और कुछ ही देर में वह कछुआ से बहुत आगे निकल गया। खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ कहीं नहीं दिखा। खरगोश ने सोचा, कछुआ तो अभी बहुत दूर है, क्यों ना थोड़ी देर इस पेड़ की छाया में आराम कर लूं। खरगोश ने जैसे ही आंखें बंद की उसे नींद लग गई। कुछ देर में कछुआ भी वही पहुंच गया और वह खरगोश को देखकर आगे बढ़ गया। बहुत देर बाद अचानक खरगोश की नींद खुली। उसने आगे पीछे देखा, उसे कहीं दिखलाई नहीं दिया। कुछ देर बाद उसने देखा कि कछुआ पहाड़ी पर पहुंचने वाला है। खरगोश अपनी पूरी शक्ति लगाकर दौड़ा, परंतु उसके पहाड़ी पर पहुंचने के पहले ही कछुआ पहाड़ी पर पहुंच चुका था और कछुआ ने ये दौड़ जीत ली। खरगोश अपनी गलती और अभिमान पर बहुत पछताया और उसने कछुआ की हंसी उड़ाने पर कछुआ से माफी भी मांगी। शिक्षा। कछुआ और खरगोश की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने गुणों पर अभिमान नहीं करना चाहिए।